नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष रविवार दशमी तिथि दोपहर 1:33 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दिन में 4:44 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज के जन्मे जातक शारीरिक रूप से मजबूत, सात्विक, धनवान और साहसी होते हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अपने कुल में श्रेष्ठ होते हैं। शत्रुओं को जीतने वाले, समाज के प्रेमी, सोच विचार कर कार्य करने वाले, स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा वाले होते हैं। मगर ऐसे जातक दैनिक कार्यों में आलसी, मगर उन्नतिगामी और विशेष सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा दिन में 10 बजे तक कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के चंद्रमा पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र शनि का होगा, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आदरणीय व्यक्तियों और बुजुर्गों का की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ के साथ साथ हानि की संभावना भी बनती है। साथ ही राहु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर कायम रहेगी, जिससे समय समय पर भ्रमात्मक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अपने सामान के प्रति सचेत रहें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दिन में 4:44 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अतः आज के पूरे दिन में बृहस्पति और शनि के नक्षत्रों का मिला जुला प्रभाव पड़ता रहेगा। तुलनात्मक अवस्था में कार्यशैली में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल के शुभत्व और दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा तुला राशि के लिए? तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र हैं और मंगल आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि आय भाव पर और अष्टम दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, जिससे संतान संबंधी मामलों में संवेदनशीलता बनी रहेगी। संतान को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। स्वयं के आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति संभावित है। साथ ही धन हानि, वाद विवाद संबंधी मामलों में अनावश्यक भागदौड़ और अपव्यय की संभावना बनती है। शत्रुओं के कारण कष्ट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सावधानी अपेक्षित है। हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। क्या उपाय करने चाहिए? हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। खाने में शहद का सेवन करें, साथ ही गाय को घी लगी हुई रोटी के साथ गुड़ खिलाएं। आरोग्यता में वृद्धि होगी और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कार्य योजनाओं के विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कामकाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रगति के अवसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में सुधार और यात्रा के दौरान खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। वृष राशि के जातकों की प्रबल इच्छा शक्ति और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और नवीन विषयों के सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर खर्च का संकेत मिलता है। राहु की दृष्टि से आपके प्रयासों और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में चलना अधूरे और रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग के साथ साथ व्यावसायिक सुदृढ़ता का संकेत देता है। कार्य क्षमता में वृद्धि और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चोट चपेट का संकेत मिलता है। चंद्रमा दोपहर तक आठवें भाव में तत्पश्चात नौवें भाव में कायम हो जाएंगे। विभागीय मामलों में सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अतिरिक्त लाभ के नए अवसर दिखाई पड़ेंगे। निजी रिश्तों में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के मन में नकारात्मक विचारों का दौर जारी रहेगा और चोट लगने का अंदेशा बनता है, मगर कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट या विवाद का संकेत भी मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल बनी रहेगी और कार्य योजनाओं के नए मार्गों का विकास होगा। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सरल बनाने में सक्षम होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग मिलेंगे। चंद्रमा का छठवें होना आपसी सहयोग में कमी और प्रतियोगी भावना का संकेत देता है, मगर कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते जाएंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें और सामान चोरी होने के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। क्रियाशीलता बनी रहेगी, मन मुताबिक काम होते जाएंगे। विभागीय और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मगर परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों को मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के किए गए प्रयास सार्थक होंगे और मातृपक्ष से सहयोग कायम रहेगा। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि के जातकों को लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है और निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ शक्ति कायम रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए प्रस्तावों को लागू करने में सफल रहेंगे। भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों की रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ आर्थिक लाभ बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा का योग बनता है, मगर व्यवसाय और कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या विवाद संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिश से बचें। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।
मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहयोग बना रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर अचानक आर्थिक लाभ के साथ साथ अपव्यय और आर्थिक हानि भी संभव है। हालांकि रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।